हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है 13.3। उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये बोल रहा है कि कोई बेलनाकार क्या है, बर्तन है। ये लो बेलनाकार बर्तन बना लिया अपन ने। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। इतना रिजल्ट अपन ने निकाल लिया। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई, अच्छा इसमें क्या डली हुई है? इसमें आइसक्रीम डली हुई है। क्या डली हुई है? आइसक्रीम। चलो अच्छी बात है। ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। यानी कि इसमें जो आइसक्रीम है इसको शंकु के अंदर भरा जाना है। तो देखो शंकु कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, ठीक है। और देखो आइसक्रीम भरी जाएगी इसके अंदर, तो इसकी शेप कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। तो इसका व्यास उसने दे रखा है, व्यास इसमें कितना दे रखा है? इसका भी क्या है? 12 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है। और ऊंचाई इसकी कितनी है? इसकी ऊंचाई है किसकी? शंकु की। कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कोई बेलनाकार आकृति है, इसमें क्या डली हुई है? आइसक्रीम। इसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। इससे जो आइसक्रीम निकालेंगे अपन, वो किस में डालेंगे? इस शंकुआकार आकृति में डालेंगे, जिसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, ये जो ऊपर की साइड है ये क्या है? एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। इस प्रकार से क्या है, इसमें आइसक्रीम भरी गई है। तो अपन इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये बोल रहा है कि इस आइसक्रीम से ऐसे कितने शंकुए भरे जा सकते हैं, कितने शंकुओं में वो आइसक्रीम डली जा सकती है। चलो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अपन इसका करेंगे क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या क्या दे रखा आपको? बेलन की क्या हाइट, वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर कॉमा इसका व्यास कितना है? व्यास है इसका 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी? 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। फिर देखो शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है उसने, शंकु की ऊंचाई, और वो आपको कितनी दे रखी है उसने? 12 सेंटीमीटर। साथ में ही शंकु का व्यास दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी इसकी भी कितनी आएगी? 12/2, ठीक है। कितना रिजल्ट? 6 सेंटीमीटर। साथ में ही अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला है, तो अपन लिख लेंगे अर्धगोले की रेडियस, और वो कितनी होगी? जो शंकु की रेडियस होगी वही क्या होगी? अर्धगोले की रेडियस होने वाली है। अब लिखेंगे कि आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या, क्या आइसक्रीम से भरे जाने जा सकने वाले शंकुओं की संख्या। तो अपन को नहीं पता कि कितने शंकु भरे जाएंगे, तो अपन लिख लेंगे इक्वल टू एन गुणा शंकुओं का आयतन, एन इंटू शंकुओं का आयतन। आगे बात समझ में, क्या आयतन, ये किसके इक्वल होगा? बेलन के आयतन के क्या होगा? इक्वल होगा बेलन का आयतन। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो ऐसे बोल रहा है अपन को कि इसमें से जो आइसक्रीम डलेगी वो शंकु में डलेगी। तो देखो कितने शंकु भरे जा सकते हैं, तो अपन ने लिख लिया कि एन शंकुओं का आयतन, ठीक है। ऐसे समझो कि
कि शंकु का आयतन इक्वल टू क्या हो गया, बेलन का आयतन। अब कितने शंकु भरे जाएंगे, तो अपन ने मान लिया कि एन शंकु भरे जाएंगे, तो यहाँ से अपन रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। एन इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे क्या, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो शंकु है, इसमें क्या इंक्लूड है, ये वाला रिजल्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या एक अर्धगोला भी है, क्या है अर्धगोला भी है, क्योंकि शंकु तो कितना कितना है, इतने वाला ही रिजल्ट शंकु है, लेकिन इसके ऊपर क्या बना हुआ है अर्धगोला भी बना हुआ है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अर्धगोले का आयतन, देखो यहाँ पे रेडियस लिए ना अर्धगोले की, तभी लिए अर्धगोले का आयतन और का वॉल्यूम लिख रहा हूँ मैं, प्लस में क्या शंकु का वॉल्यूम, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको और आगे फाइंड आउट करें, तो ऊपर क्या चल रहा है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे में क्या आएगा अर्धगोले का आयतन, यानी कि टोटल क्या होता है 4/3, इसका आधा क्या हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आयतन। आगे चलो प्लस में क्या आ जाएगा बेलन का कितना, सॉरी शंकु का कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर कितना रिजल्ट है पाई आर स्क्वायर एच, इतना रिजल्ट है, नीचे लिखेंगे इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 1/3 अपन क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, पाई भी क्या है दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन है, और दूसरी बात रेडियस भी क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे आर स्क्वायर क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो क्या रिजल्ट रहेगा यहाँ से 2R+ में H, ये रिजल्ट रहेगा। ये आप बात आपको समझ में आ गई है क्या, 1/3 बाहर ले लिया, पाई भी बाहर ले लिया, और क्या ले लिया आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, अंदर यहाँ से 2 और R बचेगा और यहाँ से H बचने वाला है। अब देखो इस पाई से इस पाई की वैल्यू कट जाएगी, अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, बेलन की त्रिज्या कितनी है, कितनी है 6, तो 6 का होल स्क्वायर यानी कि 6 × 6 प्लस में उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 15 बट्टा यहाँ से 1/3 × ये देखो आर स्क्वायर, तो ये भी रिजल्ट 6 ही है, तो 6 × 6 × देखो 2 × रेडियस कितनी है 6 प्लस में एच कितनी है 12, ये रिजल्ट हो गया। देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन, इस 6 से ये सारा कट गया ठीक है, और फिर इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर क्या शेष रहेगा 15 बट्टे में नीचे क्या रहा 1/3 × ये कितना हो गया 6 × 2 = 12, 12 और कितना हो गया 24, इसको इससे काट लो कितनी आ गई संख्या 3 × 8 = 24, तो ये रिजल्ट बन गया अपना कितना 15/8, कितना बन गया 15/8, ये तो गलत आ रहा है रिजल्ट, सॉरी अपन ने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी। देखो यहाँ पे इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर सही है, फिर रेडियस देखो कितनी हो जाएगी 6/2 हो जाएगी, यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा 3 आएगा, और यही अर्धगोले के लिए हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे भी अपन ने नीचे वाले रिजल्ट में 6 रखा है वहाँ पे क्या रखना है 3 रखना है, तो देखो मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि आर की जगह अपन को क्या रखना है 3 रखना है, तो इस वाले रिजल्ट को अपन क्या कर देंगे एक बार कैंसिल कर देंगे। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती है, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ लिया इसको 12 पढ़ लिया, अब देखो यहाँ से 3 आ जाएगा रिजल्ट, ये भी 3 आ जाएगा और ये भी कितना आएगा 3 आएगा, अब कैलकुलेट कर लो, देखो इससे इससे ये कितनी कितनी बार कैलकुलेट हो गया 2 2, ये 2 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। अब आगे चलो ऊपर क्या शेष रहा 2 × 2 × 15
बट्टे में क्या चल रहा है, 1/3 इंटू, अब देखो ये 6 हो गया और टोटल कितना हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया 18, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब देखो इसको काटो 3 से 2 बार, इसको काटो 5 बार, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 10। तो ऐसे कितने शंकु भरे जा सकते हैं आइसक्रीम के, 10 शंकु भरे जा सकते हैं। तो एंड में अपन लिख देंगे कि अतः आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या कितनी होगी, 10। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा है कि कोई बेलनाकार आकृति है, उसमें क्या है, आइसक्रीम डली हुई है, इसकी जो व्यास है डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अपन को ये बोल रहे हैं कि इसमें जो आइसक्रीम डली थी इसको शंकु के अंदर डालना है और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये आइसक्रीम आ सकती है, यानी कि कितने शंकु भरे जा सकते हैं। आगे बात समझो, तो देखो हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अब इसको कैलकुलेट किया फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की और रिजल्ट अपन ने निकाल लिया, अपना रिजल्ट कितना निकल के आया, 10 शंकु निकल के आए। अब देखो अपना 5 नंबर क्वेश्चन होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो मिस्टेक तो होती रहती है, ऑफलाइन क्लासे होती हैं तो उसमें स्टूडेंट टीचर को बता देता है कि सर यहाँ पे इतना नहीं है इतना, लेकिन ये क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है आपके लिए तो इसमें छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इनको इग्नोर किया करो और आगे पढ़ते रहो आप। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विमाओ 5.5 × 10 × 3.5 वाला एक घनाभ है, इसने कहा है कि कोई घनाभ है और घनाभ की सैफ कैसी होती है, घनाभ की सैफ लगभग ऐसी होती है, तो इसका लगभग वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसने कहा है कि 5.5 × में कितना, 10 × में कितना, 3.5, इस आकार का क्या है, कोई घनाभ है, इसका वॉल्यूम लिए हुए एक घनाभ के लिए 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो जो व्यास है डायमीटर उसने दे रखा है वह है 1.75 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट भी किस में है, सेंटीमीटर में ही है, और उसने कहा है कि इसकी मोटाई यानी कि हाइट कितनी हो गई, 2 mm। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कोई घनाभ है, ठीक है, किसका वॉल्यूम है, इसका इतना वॉल्यूम है, आगे बात समझ में, इसको पिघलाएंगे और क्या सिक्के बनाएंगे, सिक्के की शेप कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है, ये मान लो कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, कितने रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, ये भारतीय हो गया, ठीक है 5 रुपए हो गए। अब देखो सिक्का ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, इसकी कुछ मोटाई भी होती है, तो ऊपर से देखने पे ये ऐसा दिखाई देगा और ये नीचे वाला पार्ट मान लो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया, ये अपना क्या बन गया, सिक्का बन गया, तो इसका व्यास कितना है, 1.75 सेंटीमीटर और इसकी देखो हाइट कितनी नहीं है, हाइट कितनी है, 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/5 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, घनाभ की विमाएं और वो क्रम से क्या है, L×B×H डायरेक्ट ही लिख लेंगे अपन, कितना है, 5.5 × 10 × में 3.5 cm³, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, सॉरी एक बार ये क्या है, विमाओं के ही रूप में है, अपन ने वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं किया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या, सिक्के का व्यास और वो अपन को दे रखा है 1.75, ठीक है, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 1/7.5/2, इतना रिजल्ट रख लो, साथ में ही सिक्के की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1/5 सेंटीमीटर। अब देखो कितने सिक्के बन जाएंगे, तो अपन ने लिख लिया कि सिक्कों की संख्या, क्या सिक्कों की संख्या, अपन को नहीं पता कि वो कितने सिक्के बनेंगे ऐसे, ठीक है, इस घनाभ के वॉल्यूम से, तो अपन ने लिख लिया सिक्कों की संख्या, ठीक है,
इक्वल टू लिख लिया, मान लो एन सिक्के का, क्या लिखेंगे, सिक्के का आयतन, और सिक्का है वो किसकी शेप में होगा, बेलन की शेप में होगा, इक्वल टू क्या चलेगा, घनाभ का आयतन, क्या, घनाभ का आयतन, और वो अपन को पता है कि कितना होने वाला है, ये उसकी विमाएँ हैं, अपन उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं एन इंटू सिक्के का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, एज इट इज क्या है, ये एक बेलन ही है। फिर देखो घनाभ का आयतन तो एल इंटू बी इंटू में एच, यहाँ से एन इक्वल टू ये इसके बट्टे में चला जाएगा, समझ रहे हो इस बात को, तो एल इंटू बी इंटू एच बट्टे में पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये रिजल्ट कितना है, 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 बट्टे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, इतना लिख लेते हैं इसको, इंटू आर उसकी कितनी है, तो इसकी आर है 1.75 बट्टे में 2, समझ रहे हो, दो बार लिखेंगे 1.72 बट्टे में 2 इंटू में हाइट इसकी कितनी है 1/5, ये रिजल्ट हो गया। अब देखो पॉइंट हटा लेंगे, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं एक बार इसको और सोल्व आउट करके लिख रहा हूँ, तो एक बार अपन इसकी भी वैल्यू क्या रख लेते हैं, 22/7 ही रख लेते हैं, क्या पता कुछ कट जाए, तो देखो ऊपर आ गया 5.5, तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 इंटू में ऊपर 10 है इंटू 3.5 है, पॉइंट हटाओगे बट्टे में क्या आ गया 10 इंटू 22/7 इंटू ये देखो 1.75 है, कितना है 1.75, तो पॉइंट हटाओगे बट्टे में कितना आ जाएगा 202 बिंदु, फिर आगे चलो 1.75 है तो बट्टे में कितना आ जाएगा 200 इंटू में क्या आएगा 1/5, ये रिजल्ट चल रहा है। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू जितनी कट रही है उसको काट दो, ये 22/11 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, ये 11 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर भेज दो, ये भी 25 से कट जाएगा, है ना, 25 8 200 और 25 7 175, तो ये रिजल्ट आ गया 7/8, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे रिजल्ट है उसको नीचे रखो, बाकी का क्या करो ऊपर भेज दो, तो n इक्वल टू आ जाएगा अपना 35 × 8 × 8 × 5 बट्टे में क्या शेष रहेगा 2 × कितना 7, तो इससे इसको काट लो 5 बार, ठीक है, इससे इसको काट लो, ये हो गया 5 × 20, कितना हो गया 20 हो गया, और 20 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 20 को किससे करोगे 40 से मल्टीप्लाई करो, देखो अपना रिजल्ट क्या आया है, इससे इसको काटा 5 आ गया, ठीक है, इससे इसको काटा ये आ गया, तो 5 × 20 हो गया, 20 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8 × 16, 16 यानी कि 160 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये रिजल्ट आ गया 800, कितना, 16 × 5 = 80 होता है, तो ये सिक्कों की संख्या आ गई, और कहीं कुछ अपन ने मिस्टेक तो नहीं किए, एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ये 8 बार कटेगा 7 8 7 8, ठीक है, इससे इसको काट दिया, ये 5 बार कटा है, ठीक है, ये 2 आ गया यहाँ से, फिर आगे चलो, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट कितना रहा 2 × 2, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 2 और आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया, तो इससे भी इसको और काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, ठीक है, तो 8 × 5 = 40 हो गया, 40 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये, सॉरी 800 नहीं आएगा, कितना आएगा 400 आ जाएगा, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं,
देखते हैं कैलकुलेशन में कोई कहीं प्रॉब्लम तो अपन ने क्रिएट नहीं की है। अपना रिजल्ट एकदम एक्यूरेट सही है। सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? सिक्कों की संख्या आ जाएगी कितनी? 400। एक बार क्या है कि ये कैलकुलेशन होती है, इसको आप अच्छे वे से फाइंड आउट कर लेना। मेरे पास यहाँ जगह कम थी तो थोड़ा क्या हो गया, ये मर्ज हो गया एक दूसरे में, उससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वरना आंसर आ जाता है। अब देखो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। उसने कहा है कि कोई घनाभ है, इसकी विमाएं क्रम से क्या हैं? 5.5 × 10 × 3.5 है। कोई सिक्का है। अब देखो सिक्कों की कुछ क्या होती है, मोटाई होती है, उसको अपन क्या ले लेंगे, उसकी हाइट ले लेंगे। उसका डायमीटर दिया हुआ है, उसको रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ये सारा रिजल्ट आ गया। उसने सिक्कों की संख्या पूछी है, तो अपन ने मान लिया कि एन सिक्के का, एक सिक्के का आयतन हो गया, एन सिक्कों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो घनाभ का आयतन था उसको एक सिक्के के आयतन से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, सिक्कों की संख्या का रिजल्ट अपने पास आ गया। और वो कितना निकल गया है? 400। तो अब करते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो सबसे पहले अपन वो बेलनाकार बाल्टी ही बना लेते हैं। ये लो बेलनाकार बाल्टी हो गई, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? भरी हुई है रेत, यानी कि मिट्टी भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पे खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है, यानी कि शंकु के आकार की रेत बनाई जाती है। फिर आगे बोलो क्या बोल रहा है ये। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या व तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इससे क्या बनाया है? उसने एक शंकुआकार आकृति बनाई है उस मिट्टी की सहायता से, और उसने कहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 सेंटीमीटर है। तो अपन पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से इसकी रेडियस आ जाएगी, फिर इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सोल्व आउट करते हैं इसको, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है? नहीं की है। चलो निकालते हैं इसका रिजल्ट। अपन लिखेंगे क्या सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई यानी कि उसके हाइट, और वो दे रखी है अपन को 32 सेंटीमीटर। साथ में इसकी रेडियस वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? फिर शंकु की अपन को क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। शंकु की हाइट वो दे रखी है अपन को 24 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ क्या कि जो रेडियस होगी वो निकालेंगे अपन, है ना, शंकु की रेडियस। तो ऐसा लिख सकते हैं कि मिट्टी है वो समान है, तो शंकु का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, बेलनाकार जो बाल्टी है उसका आयतन। तो अपन लिख लेंगे बेलन का आयतन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा है कि शंकुआकार जो मिट्टी का ढेर है उतना ही क्या है, बेलन का आकार जो बाल्टी है उसमें मिट्टी है। नेक्स्ट स्टेप, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? इतना रिजल्ट होता है। अब देखो जो कॉमन है उसको कॉमन रख लो, बाकी का काट दो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर नहीं है। तो देखो यहाँ से इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं, कितना रिजल्ट आ जाएगा? तो आप बोलोगे 18 × 18 × 32। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/3 × r की वैल्यू अपने पास है ही नहीं, इंटू में क्या एच, एच की वैल्यू अपने पास है, वो कितना है रिजल्ट? 24। ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल। तो यहाँ से आर स्क्वायर अपन निकालेंगे, ये कितना आ गया? 8 आ गया। इसको इधर लेके आएंगे तो 18 × 18 × 32 बट्टे में कितना आ गया? 8। तो ये कितना आ गया? 8 × 32। आगे बात समझ में? अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको 18 को क्या लिख सकते हो? 9 × 2, और इसको क्या लिख सकते हो? 9 × 2, और 2 के 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2। अब देखो आर स्क्वायर है तो इसका इधर आके क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 9 × 9 × 2 × 2 × 2। वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है? दो दो के जोड़े होते हैं, तो यहाँ से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 × 2। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? 18, और 18 दूनी
18 गुना 36 से बताओगे तो 36 सेंटीमीटर की आ जाएगी उसकी रेडियस आ जाएगी, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ऊंचाई अपन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ क्या शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, क्या शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, और वो क्या होता है देखो एल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर एल बराबर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, क्या एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच हाइट कितनी है 24 का होल स्क्वायर प्लस में आर कितनी है 36 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप 24 को आप लिख सकते हो 12 गुणा 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 दूनी कितना होता है 24, समझ रहे हो इस बात को, प्लस में इसको लिख सकते हो आप 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और सबका क्या चल रहा है एंड रूट चल रहा है। ये देखो 12 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर इंटू में 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या शेष रहा 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये किस में है अंडर रूट में। अब देखो 12 का होल स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 तो 12 तो आ गया आपका बाहर अंडर रूट, ये 2 दूनी 4 प्लस में 3 दिया कितना आ गया 9 आ गया, ये रिजल्ट किसके अंदर रह जाएगा अंदर के साइड रह जाएगा, तो 12 इंटू 13 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी उसकी त्रिज्या की ऊंचाई आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या है एक बेलनाकार सेफ है उसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर, ये इसमें क्या डली हुई है मिट्टी डली हुई है, मिट्टी को बाहर निकालेंगे शंकुआकार आकृति दी जाएगी उसको, उसमें उसने कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसकी रेडियस निकाल लेंगे, और वो रिजल्ट अपने पास कितना आया 36। इसको कैसे निकाला, जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही क्या होगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन होगा, यहाँ से रेडियस आ गई अपने पास, हाइट अपने पास ऑलरेडी है रेडियस आ गई, तो अपन क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं। त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें वैल्यू पुट अप की और अपन ने रिजल्ट निकाला। तो आई होप आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे वे से अपन ने फाइंड आउट किया है। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्या है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक्स, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्लास में।